अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं आप लोगों के। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी लेकर आई हूँ मलाई टिक्का बोटी की। तो चलें जी मलाई टिक्का बोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक जग ले लिया है। यहाँ पर हम मसाला सबसे पहले ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड करने के लिए यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, 3 छोटी इलायची ग्रीन वाली यहाँ पर मैंने उसके दाने निकाल लिए हैं। 5 अदद मेरे पास यहाँ पर लहसुन के जवे हैं और 1 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर मेरे पास धनिया है, वो इसमें ऐड करते हैं सारा कुछ। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर मैंने 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं, वो इसमें ऐड करते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने 5 बादाम लिए हैं, इसको मैंने पानी में भिगो दिया था आधे घंटे पहले, वो इसमें ऐड करते हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। पानी हम इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा करेंगे ताकि इसका पेस्ट काफ़ी अच्छे से बन जाए। तो अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये देखेंगे जो चीज़ें हमने इसमें डाली थी ये अच्छे से ग्राइंड हो गई हैं। ये देखिए सारा मसाला अच्छे से ग्राइंड हो गया है। तो अब हम इसको चिकन में ऐड करते हैं। तो ये देख लीजिए नाज़रीन, यहाँ पर मैंने 3 पाव के करीब जो है चिकन ले लिए। चिकन मेरी बोनलेस है, बोनलेस मैंने यहाँ पर टिक्के के जैसे यहाँ पर मैंने पीसेस को कट कर लिया है चिकन को। चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अब इसमें हमने जो ये मसाला हमने ग्राइंड किया था वो इसमें सारा का सारा ऐड कर देते हैं इस तरह से। ये देखिए जी, इसको थोड़ा सा स्पाइसी से साफ़ करके सारा मसाला इससे उतार लेते हैं। इसके बाद जो है हम यहाँ पर हमने दही लिया है, दही को ऐड करते हैं। यहाँ पर 1 कप हमारा दही है, दही हम इसमें सारा ऐड कर देंगे। ये देखिए जी, हमने इसमें दही ऐड कर दिया है, 1 कप हमारा दही था वो भी इसमें। इसके बाद हम यहाँ पर देख लीजिए, हमने 1 टीस्पून काली मिर्च ली है, 1 टीस्पून हमने चाट मसाला लिया है, वो इसमें ऐड कर देते हैं। इसके बाद ये देखिए, यहाँ पर हमने 1 टीस्पून नमक लिया है और 1 टेबल स्पून जो है हमने यहाँ पर भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा लिया है, वो भी इसमें ऐड कर देते हैं इस तरह से। और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। आप लोग स्पैचले से, हाथों से, जैसे आप लोग को सही लगे आप लोग इसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद हम इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रखेंगे। मैरिनेशन अगर आप लोग के पास टाइम ना हो, अगर आप लोगों के घर में पपीते का पेस्ट मौजूद हो तो वो भी आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं मैरिनेशन के लिए रख रही हूँ इसको आधे घंटे के लिए। अगर आप लोग 2 घंटे के लिए रखना चाहें तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मैं इसको आधे घंटे बाद पकाऊँगी तो फिर आपको आधे घंटे बाद दिखाते हैं। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है तो अब इसको आधे घंटे के लिए छोड़ते हैं। चलें जी, आधा घंटा हो गया है चिकन मैरिनेट करे हुए। तो अब यहाँ पर हम दूसरा नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। यहाँ पर हम पैन में सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पर हम ऑयल डाल लेते हैं, 1 टेबल स्पून के करीब। 1 टेबल स्पून यहाँ पर हमने ऑयल ले लिया है। ऑयल के साथ ही यहाँ पर हम, आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर मैं बटर ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून बटर है हमारा। बटर के साथ साथ यहाँ पर हम अब इसमें हम लोग चिकन डालना स्टार्ट करेंगे। चिकन की ग्रेवी नहीं डालनी है आपने, सिर्फ यहाँ पर चिकन ऐड करनी है पीसेस। इस तरह से एक करके हम सारे पीसेस में ऐड कर देंगे। तो देखिए जी, सारी चिकन हमने इसमें ऐड कर दी है। अब हमारा चूल्हा जो है वो मीडियम लो है, मीडियम लो पे हम इसको 7 मिनट तक पकाएंगे। इसको अच्छी तरीके से इस तरह चम्मच से चला कर हम इसको ढक देंगे। 60 मिनट तक इसको पकाने के बाद हम इसको देखते हैं क्या सूरत हाल है। तो देखिए जी नाज़रीन, 7 मिनट हो गए हैं। 7 मिनट में अभी इसमें पानी है तो अभी हम इसको अच्छे से चला लेते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे से तकरीबन 1/2 कुक हो गई है। तो अभी हमने अपना चूल्हा जो है वो हाई कर दिया है क्योंकि हमें ये सारा मसाला इसका खुश्क करना है। तो अब हम इसको इस तरह से अब चलाते रहेंगे 10 मिनट तक। Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough, and even if it was, we just mess it up. देखिए जी, ये तकलीफ काफ़ी अच्छे से पक गई है। तो अब हम इसको जो है ना चूल्हा बंद करेंगे। चूल्हा बंद करके अब हम यहाँ पर अपनी सॉस तैयार करेंगे।
तो देखिए चिकन हमारी काफ़ी अच्छे से पक गई थी, तो हमने चिकन को निकाल लिया है पैन में से, और उसी पैन में हमें हम यहाँ पर अपनी सॉस बनाने के लिए यहाँ पर 2 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर मक्खन ऐड कर रहे हैं। मक्खन अच्छे तरीके से मेल्ट करेंगे, अगर मक्खन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, ऑयल से उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। इसमें हो गया तो यहाँ पर ये देख लीजिए जो हमने यहाँ पर मसाला बनाया था वो इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए जी, ये सॉस हमारी इस तरीके से पक गई है, हमने इसमें जो चीज़ें ऐड करी हैं उसको आपको दिखाई हैं। तो अब इसमें यहाँ जो हमने चिकन बना के रखी हुई है, ये हमारा टिक्का है, आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। अगर आप लोग सॉस नहीं बनाना चाहते तो इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, मैंने सॉस बनाई है तो हम इसको इसमें ऐड कर देते हैं। ज़बरदस्ती हमारी मलाई बोटी तैयार है। लास्ट में हम इसको धुआं लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। आप लोग इसको बारबेक्यू भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही बहुत मज़े की बनी है। इसकी रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी लगी। देखिए मलाई बोटी हमारी बिल्कुल रेडी है, तो अब इसका चूल्हा बंद करते हैं और इसको सर्व करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये देखिए जी नाज़रीन, हमारी मलाई बोटी बिल्कुल तैयार है। तो आप लोग बताइए कैसी लग रही है, इसका टेस्ट माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आया है। तो आप लोग इसकी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आऊँगी। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।